हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं अपनी बेटी को थोड़ा अच्छे से तैयार करके ली बनाने वाली हूँ। कल के वीडियो में बोला था मैंने कि मैं ब्लाउज़ कंप्लीट करके वो भी आपको दिखाऊंगी और साड़ी का लेस लगा के शेयर करूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था ना जिसकी वजह से मूड ऑफ हो गया था तो काम नहीं कर पाई वो मैं तो। और कल मैं गई थी वहाँ पे, मतलब जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ के सोसाइटी में गणेश उत्सव में, तो वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो गया था तो बहुत सारा डाला फैला रखा है। पहले तो मुझे सुबह सुबह वो समेटना है, वो समेटने के बाद फिर मैं आगे काम में लगूंगी। बच्चे मेरे उठ गए हैं, मैंने बेटे को नाश्ता भी करवा दिया है। मेरे हस्बैंड थोड़ा अपसेट है, थोड़ा मैंने बताया था ना कुछ हो गया था उनके ऑफिस में, उनके बॉस वगैरह एक्सपायर हो गए थे, थोड़ा उनका मूड ऑफ चल रहा था तो अभी भी लेटे हैं और मैं भी अपने आगे काम में लगूंगी। तो पैसा वाले मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, तो खाना वीना बना के फिर मैं बच्चों को नहला विला के खाना बनाने के बाद ही लोगों को नहलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं नहाने वाने में, फिर आगे का काम में कंटिन्यू करूँगी। बेटी को मैंने मतलब स्पेशली आजकल रील वगैरह जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना उस पर बनाने के लिए वो करूँगी। गणपति मैं बिठाती नहीं हूँ क्योंकि मैं विसर्जन पर विश्वास नहीं रखती हूँ और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप 10 दिन तक गणपति को अपने घर पर रखो, अच्छे से सेवा करो, फिर उनको विसर्जित करो, क्या इसका मतलब चले गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी हमें जिस चीज़ का मतलब पीछे की चीज़ नहीं मालूम है और सिर्फ लोग किए जा रहे हैं तो उसी सोच में हम भी आगे किए जा रहे हैं, तो वैसा नहीं बनना है। तो चलते हैं, जो मैंने गणपति बहुत पहले लेके आई थी उससे अपनी बेटी का रील बनाएंगे, पर उससे पहले जो बचा काम है वो पूरा कर लेंगे। ये है मेरी लाडो रानी जो उठ गई है और अपना बैठी है, नमकीन खा रही है थोड़ा 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 उसका जैसा मुँह चलता रहता है। और बेटा मेरा उसको मैंने नहला दिया है और गद्दे पे इन्होंने खूब पानी गिराना गिराना शुरू किया था रात को, जैसे मैं थकी हारी आई थी तो ये पहले इनको मैं नीचे रख दी थी तो ये आके बैठ गई और गद्दे पे पहले पानी गिरा दिया। तो वो गद्दा मुझे सुखाना है क्योंकि मुझे अक्सर ही डेली गद्दा सुखाना पड़ता है, तो गद्दा सुखा के फिर बेटे को मैं खाना दे दूँगी, खाना वो खा लेगा क्योंकि उसे ट्यूशन जाना है। आज वैसे भी पता उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, कल हम लेट हो गए थे तो वो जल्दी जल्दी सुबह उठ के जाना ही नहीं चाहता स्कूल में, लेकिन ओरल एग्जाम था तो उसको मुझे भेजना पड़ा। अब वो खाना खा लेगा, ट्यूशन भेज दूँगी और अपनी बेटी का रील बनाऊँगी। ये है मेरी बेटी जिसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। लग रही है ना प्यारी? अगर लग रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे आप। और नखरा बहुत कर रही थी नाक में, मैंने इसको नोज़ रिंग पहना रही थी मतलब प्रेस करने वाला, लेकिन ये पहन नहीं रही थी तो फिर मैंने इसको बिंदी लगा दी, तो ये बिंदी इनको इतनी अच्छी लगी कि हटाना ही नहीं चाह रही थी। और इनका रील वील वगैरह मैंने बना लिया। रील बनाने के बाद सबसे पहले इन्हें कपड़े निकालने, क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सारे ऑर्नामेंट वगैरह निकाल दिए हैं, रख दिए हैं, लेकिन एक दुपट्टा देख रही है, दुपट्टे में इनका मन लग गया है, यानी दुपट्टा ओढ़ के फिर ये बनाएंगी। तो ड्रेस का दुपट्टा तो मैंने रख दिया है, ये ऐसा एक कपड़ा मैंने इसको लगा दिया कि चलो भाई इसी में ये खुश रह करके। तो बस अब क्या है कि सारा जो ऑफिस से फैल गया और जो कल का पहला है सारी चीज़ों को भी समेट के रखना है। और ये है मेरी बिटिया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसकी रील मैंने बहुत अच्छी अच्छी शेयर की, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि बच्चों का वीडियो वैसे भी अच्छा लगता है, चाहे किसी के भी बच्चे हों। तो फिर इस तरीके से मैंने पूरा अपना काम कर लिया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब पूरा काम निपटाने के बाद अब मैं चलूँगी अपने बाकी के काम पे, शाम के काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, शाम के लिए क्या क्या करना है। हस्बैंड अब मेरे किधर गए जाने वाले हैं तो उनको भी जल्दी जल्दी चाय वगैरह दे के फिर भेजना पड़ेगा। और ये लाडो रानी तो खेलती रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं विसर्जन पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने बचपन से ही सुना है कि जो बेटी के हाथ में जो अपने गणपति देखा था ना वो मैंने 2013 में लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बिठाने नहीं दिया, वो कह रहे आप अपने पास रखो, तो अलमारी में मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। और क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर एक इंसान कर रहा है, दूसरा इंसान कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तो हम भी करें, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं बचपन से सुनती आ रही, बचपन मतलब जब तो मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे बताया गया था कि गणपति इसलिए शुरू किया था, मतलब गणपति उत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जब वो ब्रिटिश के टाइम पर जब हम लोग 144 धारा लगती थी ना तो कोई भी एक साथ मतलब खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से अगर ऐसा ये प्रोग्राम टाइप में अगर करेंगे, उत्सव करेंगे, धार्मिक में कोई रोक नहीं थी, तो आप 10 लोग 20 लोग एक साथ मिल सकेंगे थोड़े दिन के लिए। तो ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक रखते, तो ये ड्यूरेशन इतना रखा गया, ये मुझे अभी तक पता है। बाकी ऐसा और कुछ नहीं पता है कि गणेश उत्सव का कुछ अलग से मतलब पहले का कुछ मिलता हो कि इस वजह से स्टार्ट किया जाता है। तो
इसलिए ये स्टार्ट किया गया था और यही मैंने पढ़ा है। तो इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि आप गणपति बिठाओ और उसको विसर्जित कर लो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। तो जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी और जितना मेरे हस्बैंड ने बोला उस हिसाब से मुझे भी लगा कि भाई नहीं, सच में हमें विसर्जित नहीं करना है, क्योंकि जो सब करते हैं वो हमें नहीं करना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। तो इसलिए मैं गणपति का ना बिठाती हूँ ना विसर्जन करती हूँ, ऐसी मेरी सोच है, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। तो बस इसी था, इतना ही सोच के मैंने आज तक गणपति कभी बिठाए नहीं, वो गणपति अभी तक मेरे पास रखे, उसी से मैंने अपनी बेटी के रील बनाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आगे करके ना देखें, आराम से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे नए चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और जो कमेंट होता है ना उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं और आप आगे भी ऐसा करें, आप लोगों की तरफ से ऐसा मैसेज आता है ऐसा हमें लगता है, ठीक है ना। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी, मेरे साथ ऐसी बने रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी और रुक रुक के भी आ सकती है, क्योंकि मेरा और जो प्रॉब्लम है ना वो दोनों आगे पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।